आज हम लोग ग्राम स्टेनिंग के बारे में बात करेंगे। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप प्लीज़ वो वीडियो जाकर के देख लीजिए ताकि ये स्टेनिंग आपको अच्छे से समझ में आ सके। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्चुअल पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा जो कि पहले आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो। तो सबसे पहले क्या है कि ग्राम स्टेनिंग होता क्या है। तो ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है कि ये ऐसा स्टेनिंग है, एक टाइप का डिफरेंशियल स्टेनिंग है, और वो क्या करता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्या करता है, डिफरेंशिएट करने का काम करता है। और क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में उसका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, थीक होता है, थीक पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। इसके कारण से क्या होता है, वो प्राइमरी स्टेन को रिटेन कर सकता है, यानी कि वो प्राइमरी स्टेन बैरी कर सकता है। प्राइमरी स्टेन क्या है, यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट है, ठीक है। फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये क्या है, ये थिनर पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होता है। तो उसके कारण से क्या होता है कि ये जो थिनर होता है तो उसके कारण से जो क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो क्या होता है कि वॉश आउट हो जाता है जब भी इथेनॉल या क्या कहते हैं आपको डीकलराइजर से आप लोग उसको डीकलराइज करते हैं तो, या फिर जो काउंटर स्टेन देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा कि ये काउंटर स्टेन भी हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि ग्राम पॉजिटिव या और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दोनों के बीच में अंतर को पता कर सकते हैं। ग्राम स्टेन जो है आप क्या कर सकते हैं कि ग्राम स्टेन जो है बॉडी फ्लूइड पे भी परफॉर्म किया जा सकता है, अगर आपको या जो भी डॉक्टर्स हैं तो उनको अगर लगे कि बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि आपका जो भी बॉडी फ्लूइड्स हो गया, CSF हो गया, या फिर और भी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें आपको इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया का, अगर उनको ऐसा लग रहा है तो वो उसके लिए भी ग्राम स्टेनिंग के लिए रिकमेंड करते हैं। तो जैसे बॉडी फ्लूइड्स में या फिर बायोप्सी में जो सर्टेन इन्फेक्शंस को पकड़ने के लिए या सब सर्टेन इन्फेक्शंस को बताने के लिए कि वहाँ पे है या नहीं है, तो उसके लिए ग्राम स्टेनिंग का भी यूज किया जाता है। जैसे बॉडी फ्लूइड्स में देखिए यहाँ पे क्या क्या है, CSF का यूज किया जा सकता है किसमें, मेनिंजाइटिस में, और साइनोवियल फ्लूइड का यूज किया जा सकता है किसमें, सेप्टिक अर्थराइटिस में जो है आपका यूज किया जाता है। अब ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग देख लेंगे, ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे वो किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले तो आप लोग हीट फिक्स्ड स्मियर कर लेंगे, स्मियर को प्रिपेयर कर लेंगे, और स्मियर कैसा होना चाहिए, हीट फिक्स्ड होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले उस पर क्या करना है कि क्रिस्टल वॉयलेट डालना है। क्रिस्टल वॉयलेट क्या है, ये एक प्राइमरी स्टेन के तरह है, ठीक है, और ये प्राइमरी स्टेन है। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या होता है, पहले कलरलेस होता है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है। तो सबसे पहले तो बैक्टीरिया आपका कलरलेस था, तो जब भी आप प्राइमरी स्टेन दोगे तो क्या होगा कि दोनों बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, दोनों बैक्टीरिया जो है उस कलर को रिटेन कर लेगा या उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जब जैसे ही हम लोग आयोडीन डालते हैं तो आयोडीन जो है आपका मॉडरेंट की तरह काम करता है। मॉडरेंट में क्या, मॉडरेंट मतलब क्या हुआ कि जो भी ये कलर हम डाले हैं या जो भी कलर दिए हैं प्राइमरी स्टेन, वो क्या करेगा, उसको फिक्स करने का काम करेगा। तो मॉडरेंट का, मॉडरेंट जब हम लानेंगे तो ग्राम पॉजिटिव भी आपका पर्पल रहेगा और ग्राम निगेटिव भी आपका पर्पल रहेगा, क्योंकि ये क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब जो है हम लोग अल्कोहल का यूज करते हैं, अल्कोहल या फिर क्या कर रहे हैं आपका डीकलराइजर का हम लोग यूज करते हैं। तो अल्कोहल या डीकलराइजर क्या है कि चूंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या कि आपका ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल है या सेल जो है वो क्या होता है, थीक पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। इस कारण से वो क्या करता है, क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन कर लेता है, और जब हम लोग डीकलराइजर डालते हैं तब भी वो डीकलराइज नहीं होता है या वॉश आउट नहीं होता है। लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे थीन पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो भी डीकलराइजर से अगर हम लोग डीकलराइज करने की कोशिश करते हैं तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल जो है डीकलराइज हो जाता है, और फर्दर जो है अगर हम लोग काउंटर स्टेन करेंगे तो वो काउंटर स्टेन वाला आपका कलर बैरी कर लेगा। हम लोग डीकलराइजर अल्कोहल से जो है हम लोग डीकलराइज कर रहे हैं, तो अल्कोहल से ग्राम पॉजिटिव तो आपका क्या है, इसमें तो जाकर के बैठ गया है ना, ये मॉडरेंट क्या कर दिया है कि प्राइमरी स्टेन को फिक्स कर दिया, तो प्राइमरी स्टेन से फिक्स हो गया है तो ग्राम पॉजिटिव इसी कलर का रह जाएगा, पर्पल कलर का ही। लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, इससे कलर जो है वॉश आउट हो जाएगा,
ठीक है, तो कलर यहाँ से वॉश आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेफ्रान इनका हम लोग यूज कर रहे हैं काउंटर स्टेन करने के लिए, तो सेफ्रान इन काउंटर स्टेन के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को काउंटर स्टेन से तो आपका काउंटर स्टेन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आपका प्राइमरी स्टेन ही फिक्स है, ठीक है, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है ये काउंटर स्टेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है हम लोग जो डीकलराइजर यूज किए थे तो ये डीकलराइज कर दिया था, यानी कि इसका कलर खत्म कर दिया था काउंटर स्टेन, तो यहाँ पे जो दूसरा कलर हम लोग देंगे काउंटर स्टेन में वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या कर लेगा, बैरी कर लेगा। तो इतना तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को और हम लोग कैसे इस प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि आप देखिए ये जो है सिंपल आपका क्या कहते हैं इस तरह का प्रोसेस, जैसे कि एक तरह से सब्जी बनाने का प्रोसेस है, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। तो सब्जी में क्या होता है कि सबसे पहले ये बैगन का सब्जी इस टाइप का कुछ समझ लीजिए, तो ये क्या है कि सबसे पहले बैगन क्या है वायलेट कलर का होता है, सबसे पहले सब्जी आप डालें, उसके बाद क्या डालें उसमें आयोडीन डालें, ठीक है। अब आयोडीन डाल दिए तो आयोडीन क्या कर दिया सब्जी का, सब्जी में स्वाद ला दिया यानी कि फिक्स कर दिया, ठीक है। अब उसमें क्या कर रहे हैं अल्कोहल डाल रहे हैं यानी कि डीकलराइज कर दे रहे हैं, तो जैसे ही आप आयोडीन डाल दिया, देखिए सब्जी में जैसे ही आप ये नमक डालते हैं तो क्या होता है कि वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है डीकलराइज, यानी कि जो उसका कलर है वो कलर रहेगा या फिर वो कलर जो है डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, और सेफ्रान इनका हम लोग लास्ट में यूज करते हैं उसमें कुछ ना कुछ फ्लेवर देने के लिए, तो इस तरह से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे कि थ्योरीज ऑफ ग्राम स्टेनिंग के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो ग्राम स्टेनिंग का कुछ थ्योरीज है, जैसे कि सेल वॉल थ्योरी है, लिपिड कंटेंट थ्योरी है, मैग्नीशियम राइबो न्यूक्लिएट थ्योरी है, और साइटोप्लाज्मिक पीएच थ्योरी है। अगर सेल वॉल थ्योरी की बात किया जाए तो ये क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है 40 टाइम जो है थिकर होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से, तो इस कारण से क्या होता है कि दे आर टाउट टू हैव रिटेन द ग्राम आयोडीन कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये ग्राम आयोडीन कॉम्प्लेक्स को, यानी कि इसका देखिए सेल वॉल ज़्यादा थिकर है तो ये आसानी से क्या कर लेगा कि ग्राम स्टेन को रिटेन कर लेगा, क्योंकि इसका सेल वॉल जो है ज़्यादा थिकर है, अगर जाना ज़्यादा थिन रहेगा, जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई जैसे कटोरा टाइप का हो गया, जो कटोरा जितना ज़्यादा गहरा है उसमें उतना ज़्यादा ये आपका जो भी आप पानी डालिए या मिल्क डालिए वो उसमें इकट्ठा होगा, तो वही सेम कंसेप्ट ग्राम स्टेनिंग में भी है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव का इतना ज़्यादा थिक है तो उसके कारण से क्या होता है कि ग्राम स्टेन को रिटेन कर लेता है, लेकिन ग्राम निगेटिव क्या है थीन है उसका सेल वॉल, तो उसके कारण से क्या होता है कि ग्राम स्टेन को रिटेन नहीं कर पाता है, डीकलराइज जैसे ही करते हैं तो डीकलराइज हो जाता है। लिपिड कंटेंट थ्योरी है, तो लिपिड कंटेंट थ्योरी में क्या कह रहा है कि सेल इन्वेलप ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का क्या होता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा मेम्बरेन होता है जिसको आउटर मेम्बरेन बोला जाता है, तो इसलिए क्या होता है हिंस कंटेनिंग मोर लिपिड देन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब एसीटोन और अल्कोहल जैसे ही हम लोग ये करेंगे तो क्या होता है कि ये डिजॉल्व कर देता है लिपिड को और लार्ज पोर बना देता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। अब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में लार्ज पोर जैसे ही बन गया तो ग्राम्स आयोडीन या जो भी आपका जो प्राइमरी स्टेन था, तो प्राइमरी स्टेन क्या हो जाएगा लीक आउट हो जाएगा यानी कि बाहर निकल जाएगा, तो इसी कारण से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है कि स्टेन को प्राइमरी स्टेन को बियर नहीं करता है और वो क्या हो जाता है आपका काउंटर स्टेन से जो आपका डीकलराइजर है उससे क्या हो जाता है डीकलराइज हो जाता है। अल्कोहल या एसीटोन क्या करता है डीहाइड्रेट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिंकिंग द सेल वॉल एंड क्लोजिंग द पोर्स। अल्कोहल एसीटोन क्या करता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिहाइड्रेट कर देता है और यहाँ पे सेल वॉल जो है सिंक कर जाता है और पोर यहाँ पे क्लोज हो जाता है, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या था कि पोर जो है बन जा रहा था जिसके कारण से कि ग्राम आयोडीन और जो आपका प्राइमरी स्टेन है वो रिटेन नहीं कर पा रहा था ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब थर्ड थ्योरी है मैग्नीशियम राइबो न्यूक्लिएट थ्योरी, इसमें क्या बोला जा रहा है ये क्या कह रहा है कि अ कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट एंड बेसिक प्रोटीन कंसंट्रेटेड एट द सेम मेम्बरेन हेल्प ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन प्राइमरी डाई, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट पॉजेस द सबस्टांस। मतलब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आपको राइबोन्यूक्लिएट नहीं होगा मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होगा मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट होगा जो कि बेसिक प्रोटीन है, इसके कारण से आपको ये कलर रिटेन कर रहा है या प्राइमरी डाई को रिटेन कर रहा है, क्योंकि वो क्या था वो भी आपका वो एसिडिक प्रोटीन था, एसिडिक आपका मटेरियल था।
फिर साइटोप्लाज्मिक पीएच थ्योरी। तो साइटोप्लाज्मिक पीएच थ्योरी के हिसाब से क्या है कि साइटोप्लाज्म ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर सेड टू बी मोर एसिडिक होता है, ज्यादा एसिडिक होता है देन दैट ऑफ द ग्राम निगेटिव वंस, हेंस द डाई इज सेड टू बाइंड विथ मोर एफिनिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल्स। यानी कि ग्राम पॉजिटिव का आपका जो सेल्स है वो क्या होता है, मोर एसिडिक इसका इसका सेल वॉल होता है, और ग्राम निगेटिव का क्या होता है, लेस एसिडिक होता है। इस कारण से डाई जो है ग्राम पॉजिटिव के साथ बाइंड करना ज़्यादा प्रेफर करता है। कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने चाहिए अगर ग्राम स्टेनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वाट आर द बैक्टीरिया या बैक्टीरियल कंपोनेंट दैट कैन नॉट बी स्टेन्ड बाई ग्राम स्टेन। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है या बैक्टीरियल कंपोनेंट है जो कि ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होता है। तो देखिए एक्सट्रीमली सिलेंड्रल बैक्टीरिया जैसे ट्रिपनोवा जो है आपका ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं हो पाता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा वैक्सी सबस्टांस होगा तो वो भी आपको ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं हो पाया। जैसे कि माइकोबैक्टीरिया जिसमें माइन्यूट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया जैसे कि क्लैमेडिया और रिक्टेसिया, ये भी आपका जो है ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि सेल ऑर्गेनेल जैसे कि कैप्सूल, स्पोर और फ्लैजिला जो है ये भी ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होता है। इसके लिए हम लोग अलग स्टेन का यूज करते हैं जो कि हम लोग वीडियो बना चुके हैं, मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं जाकर के। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए, व्हाट पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया एक्चुअली गेट स्टेन, मतलब कि बैक्टीरिया का कौन सा पार्ट एक्चुअली स्टेन होता है, क्या सेल वॉल होता है, नहीं सेल वॉल नहीं होता है, वहां पे साइटोप्लाज्म जो है स्टेन होता है। साइटोप्लाज्म में कहीं फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण से या केमिकल प्रॉपर्टी के कारण से जो स्टेनिंग का प्रोसीड्योर है वो आगे परफॉर्म होता है। तो स्पेशली साइटोप्लाज्म में भी जो है स्पेशली क्या है, न्यूक्लिक एसिड जो है आपका स्टेन किया जाता है, सेल वॉल आपका स्टेन नहीं होता है। फिर और क्या आना चाहिए हमारे दिमाग में क्वेश्चन, कि जो ग्राम स्टेनिंग हम लोग यूज कर रहे हैं प्राइमरी स्टेन, मॉडरेन, डीकलराइजर, काउंटर स्टेन, क्या उसके जगह अगर मान लेते हैं कि ये प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट है, ठीक है, तो क्रिस्टल वॉयलेट है तो क्या हम उसके जगह पे हम लोग और कुछ यूज कर सकते हैं, तो हाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट या मिथाइल ब्लू या फिर जेंटेन वॉयलेट जो है आप यूज कर सकते हैं। मॉडरेंट के जगह पे ग्राम आयोडीन यूज करते हैं, उसके जगह पे और कुछ यूज कर सकते हैं, लोग्यूल्स आयोडीन जो है यूज किया जाता है, लेकिन ये रेयरली यूज किया जाता है, थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, इस कारण से इसको रेयरली यूज करते हैं। डीकोलराइजर में आप क्या यूज कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग अल्कोहल यूज कर रहे थे तो अल्कोहल एसीटोन यूज कर सकते हैं, या एसीटोन अल्कोहल का मिक्सचर भी 1:1 के प्रोपोर्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं डीकोलराइजर के लिए। काउंटर स्टेन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो काउंटर स्टेन के लिए आप लोग वहाँ पे सेफ्रानिन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट कार्बन फ्यूसिन और क्या है सेफ्रानिन या न्यूट्रल रेड, ये सैंडी फॉर्ड स्टेन जो है गोनोकोकाई के लिए जो है आपका यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, व्हाट आर द कंडीशन व्हेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैन अपीयर ग्राम निगेटिव, क्या आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव दिख सकता है, तो हाँ दिख सकता है। कब दिख सकता है, कि अगर उसका डीकलराइजेशन जो है ज़्यादा कर दिया जाए तब जो है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव आपको दिख सकता है। तो व्हेन ओवर डीकलराइजेशन बाय आइदर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू डीकलराइजर और विथ एसीटोन या एलोन, ठीक है, तो ज़्यादा डीकलराइजेशन से भी आपको ग्राम पॉजिटिव क्या बन जाएगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बन दिख सकता है, आपको ऑब्जॉर्ब हो सकता है। फिर आपका क्या है कि व्हेन सेल वॉल गेट डैमेज, अगर उसका सेल वॉल डैमेज हो जाएगा तो सेल वॉल में ही आपका जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाकी सब जो है वो है, तो अगर सेल वॉल डैमेज हो जाएगा तब भी आपको जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव की प्रॉपर्टी है उस पर आपका इफेक्ट पड़ सकता है, और जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ग्राम निगेटिव दिख सकता है। और अगर सेल वॉल डैमेज हो रहा है तो क्या हो जाएगा कि लाइसोसोम और जो लाइसोसोम क्या हो जाएगा एक्सपोज हो जाएगा, और लाइसोसोम क्या है उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, और वो क्या करेगा सुसाइडल बैग बोलते हैं उसको, तो वो क्या करेगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो भी रहेगा तो उसका जो सेल का प्रॉपर्टी है उसको कहीं ना कहीं चेंज कर देगा, जो अगल बगल के बैक्टीरिया हैं उनको भी वो उनकी प्रॉपर्टी को भी वो चेंज कर देगा। तो क्या कह रहा है कि व्हेन सेल वॉल गेट डैमेज बाय एक्सपोजर ऑफ लाइसोसोम या सेल वॉल एक्टिंग एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन। फिर क्या कह रहा है कि ओल्ड कल्चर व्हेन सेल इज
अब अगर जो है आपका एक टाइम से ज्यादा का, एक ड्यूरेशन से ज्यादा का कल्चर हो गया है, इसी चलते क्या बोला जाता है, कल्चर का ड्यूरेशन देखा जाता है कि हाँ 48 आवर का कल्चर है, 16 आवर का कल्चर है, तो उतना में ही आपको जो है जो भी आपको टेस्टेज हैं वो परफॉर्म कर लेने हैं। लेकिन अगर ज्यादा ड्यूरेशन कल्चर का हो जाएगा तब भी बैक्टीरिया के प्रॉपर्टी में चेंजेज आ सकती हैं, ठीक है। तो क्या है कि ओल्ड कल्चर में क्या होगा कि सेल वॉल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और उसमें ऑटोलिटिक एंजाइम जो है एक्ट कर जाता है, तो उसके कारण से उसका प्रॉपर्टी भी जो है चेंज हो सकता है। तो दोज बैक्टीरिया विच दैट आर फैगोसाइट वेयर सेल वॉल इज एक्टेड अपॉन लाइसोजोमल कंटेंट, मेनली आपको लाइसोजोम का अगर एक्सपोजर होगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है बैक्टीरियल का सेल वॉल जो है गड़बड़ हो सकता है। और यहाँ पे देखिए एक बात हम लोग छोड़ दिए, यहाँ पे अगर एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन का भी अगर एक्सपोजर हुआ है बैक्टीरिया के सेल, बैक्टीरियल सेल के पास, तो वो भी आपको जो है उसके प्रॉपर्टी में गड़बड़ी कर सकता है। अब हम लोग लास्ट चीज देख लेंगे कि आपका क्या बोल रहा है कि क्या कोई वैसा फंगस है जो कि ग्राम पॉजिटिव आपका दिखे, ग्राम पॉजिटिव बस बैक्टीरिया के लिए ही यूज किया जाता है, क्या क्या कोई वैसा फंगस है? तो हाँ, आपका ये जो है कैंडिडा या ईस्ट जो है एक ऐसा फंगस है जो कि ग्राम पॉजिटिव के तरह स्टेन होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन ग्राम स्टेनिंग? तो डीकलराइजेशन जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ग्राम स्टेनिंग का, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को। अगर ज्यादा डीकलराइजेशन कर दें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ग्राम निगेटिव अपियर हो जाएगा, या ग्राम निगेटिव जो है ग्राम पॉजिटिव की तरह अपियर हो सकता है। और ये देखिए जो मॉडिफिकेशन हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट हैं वो मॉडिफाई किए हैं टाइम टू टाइम जो है आपका ग्राम स्टेन को।